समान इकट्ठा करी फिरे मौत दानी कितरों वर्त रखे करवा तू चौथ दा सोनिया समान इकट्ठा करी फिरे मौत दानी कितरों वर्त रखे करवा चौथ दा काबू विच रख जज्बात अपने नी एक दिन बीबा यही तेनू लै बैणगे ओ देख फोटोआं वर्त मेरा तोड़ लई आओ दीदार बड़े महंगे पैण गए ओ देख फोटो वर्त मेरा तोड़ ली चक दे दीदार बड़े महंगे पैण गए ये दुआ है मेरी रब से ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों चेहरा जैसे चांद खिला मुझसे दूर कहीं ना जा काहे शर्माए जाती है मेरा दिल धड़काती जा और भी गानों में होता है वैसे Hey guys, welcome back to my channel. This is Roops Beauty Hub. तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज करवा चौथ है तो सारी ब्यूटीफुल वुमेन्स को हैप्पी करवा चौथ न्यूली ब्राइड्स को भी हैप्पी करवा चौथ और जिनकी नई शादी होने वाली है उनको भी बहुत बहुत करवा चौथ की शुभकामनाएं आप लोग ऐसे ही सस्ती सवरती रहें तो मेरा ये लुक जो है वो मेरा आज रियल लुक है मतलब आज मेरा फास्ट है मेरा करवा चौथ का तो मैंने सोचा जो क्यों ना आपके साथ ये भी शेयर किया जाए तो क्या पता आपके लिए हेल्पफुल हो तो गाइज ये मेरा रियल लुक है आज मेरा सच में फास्ट है इतना मैं थक गई थी लेकिन उसके बाद भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई गाइज तो प्लीज एक लाइक तो बनता है तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो पहले के हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज मेरे को और मोटिवेट करिए मेरे को मेरी वीडियोज को लाइक करिए और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड तो गाइज यहाँ सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अपनी आईज की अपर लिड पे लगा रही हूँ कंसीलर उसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी जिससे कि मेरा जो आई पैलेट के शेड्स हैं वो एकदम उभर के दिखें एकदम पर्टिकुलर जो शेड है वो उठ के आए और उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से वहीं पे ही फिक्स कर दूँगी मैं नीचे भी थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ तो गाइज़ ये वीडियो मेरा ना करवा चौथ के दिन मैं बना रही हूँ तो ये दो तीन दिन लेट होगा और आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये लुक फिर मैं अपने मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट में से एक पर्पल हाँ काइंड ऑफ पर्पल शेड ले रही हूँ उसको मैं अपने अपर लिड पे लगा रही हूँ अच्छे से एज अ ट्रांजिशन शेड और फिर मैं उसी का एक पर्पल का ही दूसरा शेड लेके उसको मैं एज अ क्रीज अप्लाई कर रही हूँ अपने क्रीज एरिया पे मेरा जो ड्रेस है वो कुछ बेबी पिंक हाँ बेबी पिंक कलर का है तो मुझे इसलिए ये वाला शेड और ये जो मेरा ग्लिटर है ये है वेट एंड वाइल्ड का ये सिंगल सिंगल शेड्स में आते हैं आपको अलग अलग कलर की आप जो और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है गाइस मुझे लगता है मे बी 130 या 150 अंडर ही है तो एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं उसको अप्लाई कर लूँगी और मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा रही हूँ तो वो ब्रश से मुझे उतना नहीं लग रहा था परफेक्ट तो मैं फिर अपनी फिंगर से ही उसको अप्लाई कर रही हूँ उसके बाद मैं फिर ब्रश से उसको कट दूँगी कुछ इस तरीके से मैं उसको अप्लाई कर ले रही हूँ तो ये मैंने दोनों अप्लाई कर लिया है उसके बाद मैं एक शिमरी ब्राउन शेड लेकर फिर दोबारा से अपने क्रीज पे उसको अप्लाई करूँगी तो डन कुछ इस तरीके से मेरा आई लुक था और अब मैं लगा रही हूँ अपना शुगर का लाइनर
मैंने आपको इस बार अपने ज़्यादातर शेड्स मतलब प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए क्योंकि मुझे पता है कि बार बार आप लोग देख के पक गए होंगे मैं बार बार यही क्या दिखाऊँ, इसलिए मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा विंग लाइनर लगाया है, थोड़ा सा ये देखिए विंग ड्रॉ किया है वहाँ पर। और उसको मैं थोड़ा सा नीचे लगाऊंगी, उसी शेड को जो मैंने ऊपर लगाया था पर्पल शेड को, मैं थोड़ा सा नीचे, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा सा नीचे आप लगाएं तो फिर आपकी आईज़ एकदम परफेक्ट दिखेंगी, नहीं तो वो अधूरा अधूरा ही रहेगा। फिर मैं अपना मेबलिन का मस्कारा लगा ले रही हूँ और ये थोड़ा सा ना फॉल आउट हो गया था तो फिर मैंने उसको क्लीन कर लिया है। तो गाइज मैंने आपको बताया है मस्कारा आप किस तरीके से लगाइए, थोड़ा टाइम दीजिए आप मस्कारा लगाते समय। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ब्राउ पाउडर ले रही हूँ और उसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ अपनी ब्राउज पे। और गाइज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, ना मैंने थ्रेडिंग बनवाई ना मैंने अपर लिप बनवाई, कुछ भी नहीं। मेरा भी फ़िलहाल काम ही ऐसे रहता है, जब एकदम टाइम आ जाता है ना वो चीज़ उस दिन जिस दिन हमको जैसे कहीं जाना हो या कोई भी प्रोग्राम हो तो मेरा उसी दिन मेरे को याद आता है कि अरे मेरे को तो ये करवाना था, तो ना मेरी थ्रेडिंग हुई ना अपर लिप। और उसके बाद मैं अपना कंसीलर से अपनी ब्राउज को कट दे रही हूँ, एकदम शार्प कर ले रही हूँ उसको जिससे कि वो एकदम डिफरेंट अच्छी दिखे। आपने देखा ही होगा ना कि जब मैं इस तरीके से अप्लाई करती हूँ मतलब इस तरीके से मेकअप करती हूँ तो मेरा मेकअप अलग ही दिखता है। तो यहाँ मैंने मेबलिन का ले लिया है फाउंडेशन और ये जो मेरा है ना ये है हाइलाइटर, ये नायका का हाइलाइटर है, लिक्विड बेस हाइलाइटर है ये। तो आज मैंने इल्यूमिनेटर नहीं यूज़ किया है, मैं हाइलाइटर ही अपने उसमें फाउंडेशन में मिक्स करके पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा लिक्विड हाइलाइटर है। 700 इसकी MRP है, तो अगर डिस्काउंट चल रहा होगा तो आपको मिल जाएगा, बट मैंने जब लिया था तो कोई डिस्काउंट नहीं था, मैंने ये ऑन MRP ही लिया था। और यहाँ मैं अपना लगा रही हूँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट, उसके बाद मेरा फेवरेट शुगर पैलेट। तो यहाँ मैं सबसे पहले कॉन्टोर करूँगी, यार ये पैलेट तो मैं जब लगाती हूँ मेरी तारीफ़ें शुरू हो जाती हैं, मतलब मेरे अंदर से ना तारीफ़ें उठ उठ के बाहर आती हैं, मुझे इतना अच्छा लग गया है ये पैलेट, सब चेंज हो जाएगा ये पैलेट तो मुझे लगता है कि अब हमेशा ही मेरे साथ कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ मैं अपनी नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ और डिफरेंस आप देखते ही होंगे कॉन्टोर करने के बाद कितना डिफरेंस आ जाता है। फिर मैं अपने ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। गाइज मैंने नया ब्लश लिया है, नेक्स्ट मेरी वीडियो आने वाली है, इस बार मैं जितना जल्दी जा रही थी मेरी अमेज़ॉन कह रही हूँ पर्पल हॉल उतना ही लेट हुआ। ये मैं हाईलाइट कर ले रही हूँ, मेरा कब से पर्पल के प्रोडक्ट आके रखे हुए हैं बट अमेज़ॉन के चक्कर में मेरा लेट हो गया। फिर मैं लिक्विड हाईलाइटर भी अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा और आई लव हाईलाइटर यार, मैं बड़ी मुझे हाईलाइटर बड़ा पसंद है, एक अलग ही ग्लो आ जाता है आपके फेस पे हाईलाइटर अप्लाई करने के बाद। और यहाँ पर जो मैं वाइट काजल ले रही हूँ ये है वेट एंड वाइल्ड का, तो अब मैं इसके ऊपर अपने पैलेट में से फिंगर से टिप करके वो वाला शेड जो मैंने ऊपर लगाया था उस पर हाँ मतलब अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी जिससे कि वो ना थोड़ा सा पिंकिश हो जाए। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक लगा रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा शेड है और आपके लिप्स पे बहुत टाइम तक टिकी रहती है, अगर आप कुछ नहीं खाते पीते हैं तो ये काफ़ी देर तक स्टे करती है आपके लिप्स पे और ये शेड बहुत ही प्यारा है। तो बस अब हम लगा रहे हैं अपना फेसिस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे। तो गाइज मैंने अपने हेयर्स बना लिए हैं और ये मैंने ना कोम वाला जो हेयर एसेसरीज होता है ना वो लिया है, बहुत इजी होता है लगाने में, तो मैंने बस पीछे से बन बना के उसको अटैच कर लिया अपने बालों में और ईयर रिंग्स डाल लिए हैं। अब हम लगाएंगे सिंदूर, खुल ही नहीं रहा है घंटे से,
तो बस हमने सिंदूर लगा लिया यहाँ पर, दिस इज माई फाइनल लुक। गली में आ जा।